नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित कुमार पांडे और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है न्यू लाइफ क्लासेस आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। जो हमारा अगला पार्ट है, जो हमारा चैप्टर है, नवीन राज्यों का उत्थान, जिसमें कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, पंजाब, जाट लोग जो थे, जो भी विद्रोह किए, उन सभी पहले हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और जानेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में मराठा साम्राज्य को। पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पहले जो भी स्वतंत्र राज्य थे, ठीक है, नए नए, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, इन सब बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन सब बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए और इसी लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ निवेदन है आपसे कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरी कोई वीडियो पहले देखी होगी तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए, तो ये सभी के लिए है यह वीडियो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, जितने भी लोग वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा मैं, आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है। चलिए, नवीन राज्यों का उत्थान चैप्टर है हमारा, इसके क्या कारण थे, नए राज्यों का जो उदय हुआ इसके क्या कारण थे। तो 18वीं सदी, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था, 18वीं सदी में भारतीय समाज, कि भारत का समाज कैसा था 18वीं सदी में, उसको आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए कि उस समय भारतीय समाज कैसा था। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, सती प्रथा होता था, पर्दा प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा थी, ठीक है, शिक्षा कैसी थी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा कैसा उस समय का समाज था। उसके बाद 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनैतिक शून्य स्थिति हो गई थी। राजनैतिक स्थिति क्या थी, शून्य हो गई थी। मुगल साम्राज्य का पतन होते चला गया धीरे धीरे, और 18वीं शताब्दी में तो राजनैतिक स्थिति जो थी एकदम शून्य हो गई, ठीक है, क्योंकि अब 1707 में जो अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल शासकों में ऐसा दम नहीं रह गया, ठीक है, मुगल शासकों में कोई अच्छा रह नहीं गया, ठीक है। उसके बाद मुगल सूबेदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की अर्ध स्वतंत्र एवं स्वतंत्र राज्य। अब केंद्रीय सत्ता में तो मुगल था, मुगल था, मुगल साम्राज्य केंद्रीय सत्ता में था, लेकिन जब मुगल सेना उतनी विशाल नहीं रह गई और औरंगजेब की मृत्यु जब होती है 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद जब उसकी सेना उतनी विशाल नहीं रह गई, कार्य क्षमता उतनी प्रबल नहीं रह गई, राजनैतिक स्थिति शून्य हो गई, तो धीरे धीरे नए नए राज्यों का उदय होने लगा, जो भी उसके अधीन थे, उसकी अधीनता स्वीकार किए हुए थे, छोटे छोटे राज्य, ठीक है, जो जमींदार भी थे, ठीक है, वो भी अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। छोटे छोटे राज्य जो उसके अधीन थे वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे, ठीक है। तो यही सब कारण थे, मुगल साम्राज्य का पतन जब होने लगा तो उसके अधीन जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, ठीक है। तो यहीं से क्या कारण हुआ कि मुगल सूबेदारों और प्रादेशिक सरदारों के अर्ध स्वतंत्र और स्वतंत्र राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा ने ही बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर आदि ने आदि को जन्म दिया। मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों का विद्रोह हुआ और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे कि मराठा, अफगान, पंजाब और जाट, ये स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों मुगल प्रभाव बहुत कम हो गया था, ठीक है, क्योंकि अब वैसा स्थिति रह नहीं गया था कि एक जगह दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत में शासन किया जा सके, ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी अब, ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी। इसीलिए ये सब कारण थे, मुख्य कारण, कि धीरे धीरे दूर दूर के जो क्षेत्र थे वहाँ वहाँ पर, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा लोग स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिए, इधर अफगान घोषित कर लिए, इधर पंजाब में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, ठीक है, जाट लोग भी, तो ये सब मुख्य कारण रहे। हैदराबाद के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है इसलिए धीरे धीरे नहीं चलेंगे हम लोग, थोड़ा तेज़ी में चलेंगे, ठीक है। हैदराबाद के आसफ जाही वंश का प्रवर्तक
चिंगकिलिच खां या निजामुल मुल्क था। दक्कन में स्वतंत्र राज्य का पहली बार कोशिश करने वाला जुल्फिकार खां था। 1708 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 1708 ईस्वी में सबसे पहली बार कोशिश किसने किया था? दक्कन में स्वतंत्र राज्य का पहली बार कोशिश करने वाला जुल्फिकार खां था। 1713 ईस्वी में जुल्फिकार खां के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वायसराय बना, और 1715 में सैयद हुसैन अली को दक्कन का वायसराय बनाया गया। हुसैन अली की मृत्यु के बाद पुनः चिनकिलिच खान दक्कन का सूबेदार बना। सकूर खेड़ा युद्ध हुआ अक्टूबर 1724 में। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों हुआ यह युद्ध और इसके क्या परिणाम हुए, यह सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मुबारिच खां को दक्कन का वायसराय बनाया और आदेश दिया कि वह चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क को जीवित अथवा मृत सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करे। ठीक है, अब यह युद्ध क्यों हुआ? तो सकूर खेड़ा का युद्ध मुबारिच खां एवं निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया, जिसमें मुबारिच खां मारा गया और निजाम दक्कन का स्थायी स्वामी बन गया। अब परिणाम क्या हुआ? कि इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट ने विवश होकर निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार निजामुल मुल्क आसफ शाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली 1724 में। ठीक है, अवध की स्थापना कैसे हुई स्वतंत्र राज्य के रूप में, इसको हम लोग समझेंगे। तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां या बुरहान मुल्क ने की। अवध के स्वतंत्र राज्य के निर्माण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के टाइम में ही हैदराबाद का भी हुआ और अवध का भी। ठीक है, अवध में नया राजस्व बंदोबस्त करने वाला नवाब शहादत खां था। अबुल मंसूर या सफदर जंग मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के फरमान से अवध का नवाब नियुक्त हुआ। सफदर जंग ने अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए युद्ध में मुगलों का साथ दिया था। सफदरगंज की सेना ने सर्वोच्च पद पर एक हिंदू नवाब राय था। नवाब के अवध के नवाब सिजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर को लखनऊ में शरण दी। पानीपत के तीसरे युद्ध में सिजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बक्सर का युद्ध जब हुआ 1764 में, प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में जब युद्ध हुआ था बक्सर का, उसमें 3 लोगों की सेना थी, मुगल बादशाह की, बंगाल का और अवध का। ठीक है, तो अवध के नवाब सिजाउद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का साथ दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध तीनों लोग मिलकर लड़े थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान देना है। बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुई थी। यह संधि अवध के नवाब सिजाउद्दौला और वारेन हैंगस्टिंग्स के बीच हुई थी। वारेन हैंगस्टिंग्स जो था उस समय वायसराय था, ठीक है, अंग्रेजी वायसराय था। ठीक है, इस संधि द्वारा इलाहाबाद और कड़ह जिले अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेचे गए। ठीक है, फैजाबाद की संधि जो है 1775 ईस्वी में हुई। बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। वारन हैंगटिक्स ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी। चलिए आगे बात करते हैं। आसफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि बनने वाला अवध का नवाब शहादत अली खां 1801 में संधि की। गाजीउद्दीन हैदर अली खां को वारन हैंगटिस ने 1815 ईस्वी में बादशाह की उपाधि दी। ठीक है, तो 1815 ईस्वी में बादशाह की उपाधि प्रदान की गई किसको? गाजीउद्दीन हैदर अली खां को। किसने दी थी? तो वारन हैंगटिस ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। 1854 ईस्वी में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया और लॉर्ड डलहौजी ने, और 1854 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, जाटों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो
तो जाट जो थे दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों में रहने वाले थे और खेती करने वाले लोग थे। ठीक है, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इन सब हिस्सों में रहने वाले लोग थे। ठीक है, सर्वप्रथम मथुरा के आसपास 1669 में गोकुल नाम के किसान ने विद्रोह किया। फिर 1688 में जमींदार राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले किसने विद्रोह किया था, तो गोकुल नाम के एक किसान ने विद्रोह किया था। फिर वहाँ का एक जमींदार था राजा राम, उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, मतलब एक लीडर मिल गया इन लोगों को। ठीक है, और उसके बाद चूड़ामन के भरतपुर राज्य की नींव डाली। बाद में बदन सिंह ने राज्य को सुदृढ़ किया। जाट सट्टा सूरजमल के नेतृत्व में अपने उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। लोहागढ़ किला जो भरतपुर में है उसके बारे में जानना आवश्यक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, और लोहागढ़ किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को अंग्रेज, मुगल, मराठा और राजपूत कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, तो लोहागढ़ किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सूरजमल ने करवाया था, जो कि जाट महाराजा थे, 1733 ईस्वी में करवाया था। यह कहाँ है, तो भरतपुर में है। ठीक है, लोहागढ़ किले में मुगलों से जीत कर लाया हुआ अष्ट धातु का दरवाजा लगाया है। इस दरवाजे को जाट महाराजा जवाहर सिंह द्वारा लगवाया गया। अष्ट धातु का दरवाजा एवं इसका इतिहास क्या है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इसका वजन 20 टन था। मूल रूप से यह दरवाजा चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण के बाद इस दरवाजे को चित्तौड़ से उखाड़ कर दिल्ली के लाल किले में लगा दिया था। सन 1765 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के शासक नजीबुद्दौला को पराजित किया एवं दरवाजे को उखाड़ कर भरतपुर ले आए। महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे जाटों के, तो महाराजा सूरजमल। ठीक है, अमर शाह अब्दाली ने जाट राजा बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, जो बाद में महेंद्र राज कहलाए। और 1805 में अगर हम बात करें तो रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में की थी। तो सिख धर्म की शुरुआत किसने की थी, 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सिख धर्म में कितने गुरु थे, तो 10 गुरु थे। और सब और इसकी शुरुआत सिख धर्म की किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ठीक है, और इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, गुरुमुखी लिपि, जैसे हम लोगों की हिंदी में देवनागरी लिपि है, तो इन लोगों का गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु रामदास के लिए 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी भूमि पर गुरु रामदास ने रामदासपुर नगर बसाया, जो बाद में अमृतसर नामक शहर के रूप में जाना जाता है। तो अमृतसर शहर किसने बसाया था, तो गुरु रामदास ने, जो कि जमीन मिली थी इनको 500 बीघा। ठीक है, अकबर ने इसको दिया था। ठीक है, तो रामदासपुर नगर बसाया था, जो बाद में अमृतसर नाम से जाना गया। और अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ भी आप लोगों को ध्यान देना है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर नामक तालाब का निर्माण करवाया एवं तालाब में हर मंदिर साहब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर बसाए। करतारपुर नामक शहर बसाए, तरन तारण और गोविंदपुर नामक शहर बसाए। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य गुरु हरगोविंद ने किया, तथा गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख खालसा पंथ की स्थापना हुई और सिख राजनैतिक एवं फौजी ताकत बने। तो गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद सिंह ने, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक है,
सिखों के 10वें गुरु जो थे गोविंद सिंह ही थे, ठीक है। इन्होंने आनंदपुर नामक बसाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनकी हत्या महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खान पठान ने की था, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई। सिखों का प्रथम राजनैतिक नेता बंदा बहादुर लक्ष्मण देव माधवदास था। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। 18वीं सदी में पंजाब छोटे छोटे सिख राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों को मीसल कहा जाता था। पंजाब में कुल 12 मीसल थे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह सूकर शकिया मीसल में जन्मे थे। इनके पिता का नाम महा सिंह था। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सूकर शकिया मिसल को दिया जाता है। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया। बाद में कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज के पार फरीदकोट, मुलेरकोटल और अंबाला पर कब्जा किया। अमृतसर की संधि बार बार क्वेश्चन पूछता है। 1809 ईस्वी में यह संधि हुई थी। इसमें क्या क्या लिखा गया था, ठीक है, क्यों यह संधि आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी वो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया, किंतु उत्तर में राज्य विस्तार कर सकते थे यह, ठीक है, ऐसा लिखा गया था कि उत्तर में यह राज्य विस्तार कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सतलुज नदी जो था उसके पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया। चलिए आगे बात करें तो रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। काबुल के शासक जमन शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर के अपदस्थ शासक शाह सुजा की पुनः सत्तासीन करने में सहायता की। इसी सहायता के बदले शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था, ठीक है। तो लाहौर के अपदस्थ शासक जो शाह सुजा थे उनको पुनः सत्तासीन करने में सहायता दी। इसी कारण से शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा इनको वापस कर दिया, जिसको कि नादिर शाह लूट करके ले गया था। अब रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आ गया, ठीक है। रणजीत सिंह भारत के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। फ्रांसिस यात्री विक्टर जैकमिमो ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। तो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने की, विक्टर जैकमिमो से। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में दिल्ली पर, और लाल किले से कोहिनूर हीरा लेकर के चला गया था, और रणजीत सिंह को फिर से वापस मिला, ठीक है। रणजीत सिंह का प्रशासन देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर कुशल, प्रशिक्षित और सुसंगठित सेना का गठन किया। रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौज ए आइन नाम से जाना जाता था। इनकी सेना एशिया में दूसरे स्थान पर थी। प्रथम कौन थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इनके पास अस्थाई सेना थी, फौज ए आइन नाम से इनको जाना जाता था, और इनकी सेना को एशिया में दूसरा स्थान मिला था। प्रथम स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो कि अंग्रेजों की थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में टोप खाने का निर्माण करवाया, और रणजीत सिंह की सरकार को सरकार ए खालसा नाम दिया गया। इन्होंने नानक शाही सिक्के चलाए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुए और 1846 में। इस समय पंजाब का शासक रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब की सेना, सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह एवं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड योगफ ने किया। इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई और अंग्रेजों के साथ 1846 में लाहौर की संधि हुई। अंग्रेजों ने 50,000 रुपये में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। इस समय पंजाब का शासक दिलीप सिंह था, ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था,
और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। रामनगर की लड़ाई अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल गॉफ ने किया, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। चिलियावाला की लड़ाई जनरल गॉफ ने किया था अंग्रेजों का नेतृत्व, यह भी निर्णायक नहीं था। गुजरात की लड़ाई, यह युद्ध टोपो के युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर चार्ल्स नेपियर ने किया, यह युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। पंजाब राज्य शक्ति समाप्त हो गई, पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। गुजरात की लड़ाई में तो मैसूर अब देख लेते हैं, मैसूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी में मैसूर में चिक्का कृष्णराज का शासक था, परंतु यह कठपुतली मात्र राजा था। वास्तविक शक्ति इसके दो मंत्रियों नंगराज एवं देवराज के हाथ में थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैसूर राज्य की जब भी बात आती है तो हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में ज़रूर बात आती है, तो हैदर अली के बारे में हम लोग जानेंगे। 1721 में मैसूर के कोलार में जन्मा हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी था। बाद में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना की 1755 में, ठीक है। और 1761 में हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई 1761 में। उसके बाद 1767 में ही इसने युद्ध किया, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 में। यह युद्ध अंग्रेजों में एवं हैदर अली प्लस मराठा प्लस निजाम तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें निजाम अंग्रेजों से मिल गया बाद में, ठीक है। और हैदर अली ने अंग्रेजों को मंगलौर में पराजित किया। युद्ध समाप्ति के बाद 1769 में मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ, जो कि 1784 ईस्वी तक चला लगभग, ठीक है। हैदर अली ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों एवं निजामों से संधि कर ली। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की और अंग्रेज जनरल ब्रेनी को परास्त किया। 1781 में हैदर अली एवं आयरकूट के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली की हार हुई। 1782 में हैदर अली ने पुनः अंग्रेजी सेना को परास्त किया, परंतु युद्ध में घायल हो जाने से हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1784 तक हैदर अली के पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। 1784 में मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। अब टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग जानते हैं, 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक इसका समय काल था, ठीक है। 1782 में यह गद्दी पर बैठा 1782 में और सुल्तान की उपाधि धारण की। टीपू ने नई मुद्रा, नई नापतोल की इकाई एवं नवीन सनवत शुरू किया, ठीक है। सब कुछ इसने नया किया। टीपू ने जारी सिक्कों को पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए एवं वर्ष व माह अंकित करवाने के लिए अरबी भाषा का प्रयोग किया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपना प्रशासन यूरोपीय प्रशासन के आधार पर निर्मित किया। फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहयोग किया एवं स्वयं इसका सदस्य बना, ठीक है। टीपू ने मैसूर एवं फ्रांसीसी मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। टीपू ने विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए अरब, काबुल, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस को अपना दूत मंडल भेजा। टीपू ने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने मंगलौर, मोलिदाबाद, दादियाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण कराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। अंग्रेज, निजाम और मराठा, ठीक है, और टीपू के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मजबूत था, परिणाम स्वरूप टीपू पराजित हुआ। टीपू और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। अंग्रेजों ने पुनः निजाम और मराठों से संधि कर ली। अंग्रेज सेना का नेतृत्व वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट ने किया। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू युद्ध में मारा गया एवं मैसूर की गद्दी पर आड्यार वंश के बालक कृष्णराय को बिठा दिया गया।
इस जीत की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है, नोट में मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, सर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया या एम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए बंगाल के बारे में जानते हैं। बंगाल के बारे में अगर बात करें तो 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा को सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र राज्य हो गया और 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया। मुर्शीद को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। सिराजुद्दौला के बारे में अगर बात करें, जो कि 1756 से 1757 तक, ठीक है, तो 1757 में अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि प्लासी में युद्ध होता है। तो राजगद्दी के लिए प्रतिद्वंदी कौन कौन से थे इसके लिए, तो शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफर। घसीटी बेगम को बंदी बनाया गया और मीर जाफर को सेनापति पद से हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। मनिहारी का युद्ध हुआ तो शौकत जंग को हराया गया, ठीक है। अब आगे बात करें तो ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई। हालवेल के अनुसार सिराज ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन जब देखा तो हालवेल सहित 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी कहा है, ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हुआ था, लेकिन भारतीय इतिहासकार ऐसा कुछ नहीं मानते, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि झूठ था। प्लासी का युद्ध देखिए 1757, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेना एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था, नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार्तलीफ खां एवं राय दुर्लभ ने किया था। नवाब की सेना के नेतृत्वकर्ता राजद्रोही थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। इन्होंने युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल युद्ध में लड़ते हुए मर गए, मतलब वीरगति को प्राप्त हुए। सिराजुद्दौला की भी हत्या कर दी गई। षड्यंत्र के मुताबिक युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया 28 जून 1757 को, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। 1757 से 1760 ईस्वी तक इसके बाद गद्दी रहती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मीर जाफर के समय से बंगाल में कंपनी किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलब्ध में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की एवं अंग्रेजों को अनेक पुरस्कार प्रदान किए। 1760 ईस्वी में मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। अब मीर कासिम बनेगा तो 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा, लेकिन मीर कासिम जो रहता है वह अंग्रेजों के कठपुतली नहीं बनना चाहता, इसीलिए अब हम लोग जानेंगे थोड़ा इसके बारे में। तो मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, ठीक है, और मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास किया। मीर कासिम ने सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करा दी। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर कासिम को अपदस्त कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है 1757 का, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बक्सर का युद्ध 1764 वाला है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यह युद्ध अंग्रेजी सेना और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजादुद्दौला के बीच हुआ था, संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो, ठीक है।
23 अक्टूबर 1764 को युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया और 5 फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्रों नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में नवाब बनाया। बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हुई। द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, जबकि वास्तविक सत्ता कंपनी के पास थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, लेकिन यह अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो अभी टाइम कम है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में मराठा साम्राज्य पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।